तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी बेस्ट वेजिटेबल ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड मैं आप सभी के बर्ड्स के लिए लाया हूँ, जिन्हें कि आप दे सकते हैं बर्ड्स या फिर पैरेट्स को, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये समर सीज़न का भी है, आप इसको चाहो तो ऑल सीज़न में भी दे सकते हो, उसमें काफ़ी सारी वेजीज हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीट रूट से। इसमें विटामिन सी, विटामिन B9 होता है, ठीक है। और ये जो है सेल ग्रोथ में और एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है, सेल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है और लिवर फंक्शंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दूसरे नंबर पे आ जाती है दोस्तों मेथी, ठीक है। इसमें हमने मेथी यूज़ करी है, मेथी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, डाइजेशन में होती है, न्यूट्रिएंट वगैरह काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं इसमें, तो मेथी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये है पालक, ठीक है, पालक भी काफ़ी अच्छी, इसमें आयरन होता है, काफ़ी एनर्जी होती है, हार्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और ये है दोस्तों कद्दू, ठीक है, कद्दू होता है, पम्पकिन जिसे बोलते हैं अपन, ये कद्दू है, ये भी बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। और अब आ जाती है दोस्तों कैबेज, ये है पत्ता गोभी, ठीक है। तो ये इसमें सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी हेल्दी चीज़ होती है ये भी। और ये है दोस्तों पुदीना, ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो आप एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पुदीना भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, गर्मियों में आप ज़रूर से दें इसे। और ये दोस्तों हैं मूली के पत्ते, ठीक है, मूली जो आती है अपनी, मूली के पत्ते हैं ये, इनको आपको अच्छी तरह से बारीक काट लेना है, या तो आप चाहो तो चॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप जो मार्केट में चॉपर्स मिलते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। और ये है धनिया, धनिया आपको पता ही है, धनिया के भी बहुत फ़ायदे हैं, धनिया बहुत अच्छी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाता है, बोन हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए फाइबर, कैल्शियम, काफ़ी सारी चीज़ें धनिया में पाई जाती हैं। और ये आप एक बार दोस्तों सब्जियाँ देख लीजिए, इसमें कैबेज है, कैरेट है, गोभी है, बीटरूट है, धनिया है, पुदीना है, मेथी है, पालक है, कद्दू है, और दोस्तों ये है गोभी, ठीक है, गोभी है, ये नॉर्मल वाली गोभी, ये भी बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। और ये है कैरेट, ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी सारे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6 वगैरह देखने को मिल जाएगा। और इन सब में जो जो इनके न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं, आप चाहो तो गूगल पे भी खोल के देख सकते हो, वहाँ पे भी सब आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और जो जो ये बर्ड्स के लिए इनमें खासियत थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें से दोस्तों किसी भी वेजिटेबल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चाहो तो इसमें कोई मेडिसिन मिला के भी दे सकते हो। और ये देने के बाद 1 से 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको फेंक देना, वरना अगर ये पड़ा रहेगा तो इसमें काफ़ी सारे कीड़े वगैरह लग जाएंगे और ये बहुत मतलब फिर बेकार हो जाएगा। और डायरिया वगैरह के समय आप इसको मत दें, और इसको आप 1-1 दिन के गैप में भी दे सकते हैं, और इसमें आप मेडिसिन मिला के भी दे सकते हैं, ज़्यादा देर इसको पड़े ना रहने दें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना।